I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. माँ, माँ मैं वचन देता हूँ, ऐसे ही होगा। मैं वचन देता हूँ माँ। नविंदु, तू भी कितना बदनसीब है। बाप ने जाते वक्त कुछ भी नहीं दिया और माँ से भी कुछ ना मिल सका। नविंदु, मेरे पास आओ, डरो नहीं। देखो, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करूंगी, तू भी मुझसे प्यार करेगा। नविंदु, 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 कैसे आ गए? माँ, भेज दिया टीचर ने वापस। क्यों भेज दिया? हो गई इंसल्ट आज हमारी। क्या हुआ? नहीं भरी फीस तुमने, बुलाया हेडमास्टर ने, दी है चिट्ठी और कर दी छुट्टी हमारी। क्या लेने की फीस मम्मी? इसलिए घर भेजते हैं, कल पैसे लेके आना। नहीं तो कल नहीं आना। हाँ, कल पैसे भिजवा देंगे तुम्हारे। जा अंदर जा। बोलना नहीं माँ, नहीं तो सब हो जाएगा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। घर गई थी, वहां नहीं थे, कॉलेज में भी नहीं थे। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही रीना कि तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्यों? इसलिए कि हमारे रास्ते अलग हैं। मैं जानती हूँ, जब तक दुख के दिन बदल नहीं जाते, तुम्हारे मन में शादी का ख्याल तक नहीं आ सकता। परसों मेरा जन्मदिन है, तुम आओगे और सबके सामने कहोगे मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। ले आई भाभी, दुनिया और उधार देने से इनकार करता है। क्या वो कहता है? पहले का उधार तो चुकाते नहीं और हाथ पहला उधार मांगने चले आते हो। क्या बाप की दुकान में मत रखी है? उस बलिये की ये हिम्मत, आटे दाल का भाव करते करते गालियों पे उतरा। मैं भी देखता हूँ। नहीं सत्यन, उधार लेने वाले गुस्सा नहीं किया करते। जरूरत हमारी है भैया। हम उधार लेते हैं भाभी, भीख नहीं मांगते। 10 पैसे की चीज देता है, 25 खाते में लिखता है। इसी का नाम तो मजबूरी है। वक्त खराब हो तो सब कुछ सहना पड़ता है। जरा शांति से काम ले। देख देख, तू जरा झुक जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुझे गीता और विजू को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी तरह तू भी उसके बच्चों को संभालेगा। अरे सत्यन बाबू, इतनी सारी किताबें आज ही पढ़ लोगे क्या? पढ़ाई हो चुकी शंकर बाबू।
ये किताबें तुम्हारे पास लाया हूँ, इन्हें देख। रोको, सत्य। सत्य, ये सब क्या है? फल हैं, सब्जियां हैं, खरीदिएगा। वाह वाह, बड़ा भाई जनरल मैनेजर है और छोटा भाई रास्ते पर सब्जियां बेच रहा है। क्या करें मेम साहब, बड़ा भाई देवता है तो छोटा भाई शैतान भी तो है। ड्राइवर घर चलो। ओ बिजू, आओ बैठो। कैसे हो? अब तक तो ठीक हो, लेकिन अब जो होना है वो होकर रहेगा। क्यों, क्या बात? बात तो बहुत छोटी सी है। जब एक जनरल मैनेजर का भाई बंबई की सड़कों पर सब्जी और फल बेचेगा तो बात तो बहुत छोटी सी होगी। मेरी इज्जत होगी, मेरा नाम होगा। शायद सत्यन को इस बात का ख्याल नहीं आया कि सत्यन को बहुत से ख्याल आते हैं, लेकिन किसी भी ख्याल के आने से पहले जीना बहुत जरूरी होता है और जीने के लिए कमाई की जरूरत होती है। लेकिन लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि किसी भी घटिया तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। ईमानदारी की हर कमाई में इज्जत होती है मेरे भाई। तुमने कभी मेरी भी इज्जत का ख्याल किया? जब मेरे दफ्तर वालों को मालूम होगा कि मेरा ही भाई बाजारों और सड़कों पर सब्जियां फल बेचता फिरता है तो मेरी इज्जत का क्या होगा? माफ करना, मैं भी तुम्हारी तरह मतलबी और खुदगर्ज हो गया। सत्यन, मेरी समझ में नहीं आता, अगर तुमने कुछ काम करना ही है तो कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? नौकरी में 30 दिनों के बाद पैसे मिलते हैं, लेकिन यहां यहां हर सुबह हर शाम की जरूरत है। अगर ऐसी बात थी तो मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगी? अरे अगर मांगना ही होता तो सारी दुनिया पड़ी है, एक बेशरम भाई के सामने हाथ क्यों फैलाते? सत्यन, मैं तो पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, सत्यन और गीता को मैं अपने साथ ले जाता हूं, इनकी जिम्मेदारी मुझ पर रहेगी। बेशक, अगर ये जाना चाहे तो। भैया, भाई तुम आपस में फैसला करो। भैया हमारा फैसला भी सुन लीजिए। गीता, गीता, बीजू भैया हमें लेने आए हैं, हमें वहीं चल के रहना होगा। मेरे सिर्फ दो ही भाई हैं और मैं उन्हीं के साथ रहकर खुश हूँ। सुन लिया? मैंने सोचा था कि धन और दौलत से अभिमान आता है, लेकिन आज आज देख रहा हूं कि गरीबी में भी गरूर है। गरीबों के पास यही तो एक पूंजी है जिसे तुम जैसे कभी नहीं छीन सकते। मम्मी, मम्मी, पिताजी, पिताजी, ये लो रुपए, है पूरे 15। रुपए? ये तुम्हें कहाँ से मिले? मिल गया रास्ते पर। झूठ बोल रहे हो? हाँ पिताजी, ये सच कह रहा है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। सच से बताइए कहाँ से मिले? सोचा था चाहिए रुपए फीस के लिए, देखा था लोगों को गाकर कमाते हुए, सोचा हम भी गाकर कमा ले। गाना पसंद आया लोगों को, जमा हो गए 15 रुपए। तो इसका मतलब यह कि तुमने भीख मांगी है? इस घर को क्या हो गया? ऐसा नहीं करते बेटे, फीस नहीं मांगा करते, समझे? हाँ, ऐसा फिर कभी मत करना। लो, क्या ये पैसे मां को दे दो, वो गरीबों में बांट देगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे रुपये नहीं चाहिए, पहले इतना कर्जा हम। अरे कर्जा, अरे मैं तुम्हें कर्जा कहाँ दे रहा हूँ भाई, मैं तो धंधा कर रहा हूँ। देखो रुपया इस हाथ दूंगा और इस हाथ लूंगा। आप चाहते क्या? मैं क्या चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल सकती है। रिश्तेदारी? हाँ, मेरे पास रुपया है और तुम्हारे पास लड़की। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब गीता से है। काले बाबू,
ये तो आपकी पोती के बराबर। अरे तुम मेरी उम्र क्यों देखते हो? भगवान की कसम, बोलो जी बोलो, अभी तक साठा पाठा। कमीने, निकल जा मेरे घर से। जाता हूँ, मगर याद रख, ये बदतमीजी तुम्हें सारे घर को महंगी पड़ेगी। काली बाबू, उस आदमी के पास जाओ जिसको तुमने रुपया उठा दिया। लो बोलो जी, कैसा दे रहे? उनके पास जाता हूँ तो मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल देते हैं। तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे उनके पास जाने को बोलते हो। रिज्जू बाबू, ये ना भूलो, तुम लोगों का मकान मेरे पास गिरवी पड़ा है। मैं जब चाहूँ उसे बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता हूँ। तो करवाते क्यों नहीं? घर को निलाम करवा दो और अपना पैसा वसूल करवाओ। मेरे पास क्यों आते हो? बस इस वास्ते कि तुम ही कल ना बोलो कि उन लोगों को मेरी वजह से घर से बेघर होना पड़ा। मैं भी यही चाहता हूँ काली बाबू, वो घर से बेघर हो जाए, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए, सड़कों पर भीख मांगते रहे। जिस भाई ने माँ को अपने बेटे से अलग किया हो, उसका यही अंजाम होना चाहिए। लो बोलो, बस अब तो उस घर पे टांच आई के आई। भाई को पंख न बने न्यारा, भाई को पंख न बने न्यारा, रहे चाचा। हाँ बेटा। कहाँ ले जा रहे हैं सामान? है ना सामान बेटा, पुराना हो गया ना, उसको नया बनाएगा। चाचा, हो गया है घर भी तो पुराना, घर को भी नया बनाएगा। तो चाचा, रहेंगे हम किधर? हमारे साथ हमारे घर में। लेकिन चाचा, है तुम्हारा घर बहुत छोटा। घर छोटा है तो क्या होगा बेटा, दिल तो बहुत बड़ा है। मेरी साइकिल छोड़ दो, मेरी साइकिल छोड़ दो। ये छोकरे, हट जा सामने से। नहीं नहीं, मेरी साइकिल लेके तू तो चलाऊंगा क्या मैं? तुमसे कहा है ना, हट जा सामने से। ओ, हट जा का बच्चा। अगर बच्चा क्यों पढ़ा होता है तो तुम्हारा एक एक पसली का दस दस टुकड़े बना देगा। चलो साइकिल। तुम दोनों, हम खुदाई फौजदार है, हम बोलता है, साइकिल चलो। इस घर पे टांच लग चुकी है भाई साहब। इस घर की हर चीज काली बाबू की है। ये मकान, ये सामान नीलाम होगा, जो रकम आएगी उससे काली बाबू का कर्जा अदा होगा। सही बात, साइकिल लाने पर रख दो। हर चीज नहीं, ये साइकिल जैसे जाएगा तो हमारा लाश के ऊपर से जाएगा। बोलता है क्या कर रहे हो? पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस तो क्या सो रहा है, बहुत आ जाएंगे बिंदु भाई, मगर ये साइकिल इस लॉरी में नहीं जाएगा। खान, इन्हें अपना काम करने दो, तुम कानून से नहीं लड़ सकते। मगर ये कैसा कानून है? वो तुम्हारा सामान ले जा सकता है, तुम्हारा चीज ले जा सकता है, मगर ये बच्चे का साइकिल क्यों लेके जाता है? लेके जाता है ये? बाप मुजरिम हो तो जुर्म का साया औलाद को भी नहीं छोड़। ले जाओ भाई ले जाओ, बच्चे का खिलौना भी ले जाओ। गाड़ी जाने दो। बिंदु भैया, भाभी, गीता, बच्चे लोग, चलो अंदर। चलो चाचा, वो अंदर तो चलो ना तुम। आओ अंदर भाभी जी, उठो ना। आओ नविंदु भैया, आओ। हमसी गलती हो गया, हम वो पूजा की जगह पर हमारा खुदा का नाम है, कोई गलत बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं खान, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.